हमारे हॉस्टल की लोकेलिटी है वो काफी अच्छी है, काफी बेहतरीन है बाकी हॉस्टल से कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे हॉस्टल से मैक्सिमम कॉर्पसेस बहुत पास है ऐसा। मेरा नाम आशीष चौधरी है और दरभंगा बिहार से छी और नई दिल्ली में छी। और दूसरी चीज जो मेन कंसर्न होता है बॉयज हॉस्टल और मतलब इंडियन हॉस्टल के अंदर लोग बोलते हैं रैगिंग को लेकर, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ఇక్కడ అంతా బాగానే సిక్స్ మంత్స్ నుండి ఏం ఇబ్బందులు ఏమి ఉండవు, అలానే ఎక్కువ స్ట్రెస్ కూడా ఏమి ఉండదు। अभी हम चलते हैं बॉयज फ्लोर पे और उन लोगों से एक्सपीरियंस लेते हैं और फीडबैक। बॉयज का फ्लोर थर्ड फ्लोर। तो अभी हम बॉयज के फ्लोर पे हैं, तो कुछ स्टूडेंट हैं जो कि उनसे रिव्यू लेना पड़ेगा क्योंकि जानना जरूरी है स्टूडेंट का क्या रिव्यू है हॉस्टल के साथ, क्या फीडबैक है। तो चलते हैं डायरेक्ट अंदर। पहले मैं बता दूं ये डबल रूम है, तीन स्टूडेंट इधर रहते हैं, तीन स्टूडेंट इधर रहते हैं। तो मैं इनके साथ एक्सपीरियंस जो भी है इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और इनके रूम का फैसिलिटी इन लोगों के थ्रू ही एक्सप्लोर करवाऊंगा क्या रूम का फैसिलिटी है। और मैं बता दूँ सबसे पहले वो बंक बेड है, वो कोई समझेगा नहीं उसको कि बंक बेड है, उस पर वो कोई यूज नहीं करता क्योंकि स्टूडेंट सबको कंफर्टेबल नहीं होता है, वो बस रखा हुआ है, वो कभी भी निकल सकते हटा दिया जाएगा। तो इस रूम में कोई भी बंक बेड नहीं है, सारे सिंगल बेड है। और मेन चलते हैं स्टूडेंट से रिव्यू लेंगे डायरेक्ट। तो अभी हमारे साथ आशीष है फ्रॉम बिहार, वो एक्चुअली में रहते दिल्ली में हैं बट जो इनका बाई बर्थ है ये बिहार से हैं। तो इनसे मैथिली लैंग्वेज में जानने की कोशिश करेंगे रिव्यू, क्योंकि बहुत सारे लोग अब हैं बिहार से तो बिहार का सब लैंग्वेज जानते हैं, भोजपुरी में नहीं, ये मैथिली में अपना रिव्यू शेयर करेंगे। तो प्रणाम, मेरा नाम आशीष चौधरी है, हम दरभंगा बिहार से छी और रही दिल्ली में छी, लेकिन हम एतः जना कि नीट मैंने निरंतर प्रयास करने के बाद नहीं भेल, तो एतः औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एल अपन कंसल्टेंसी द्वारा। तो एतः हम जे अहाँ का पूरा व्यवस्था बतेबे, व्यवस्था पूरा एक नंबर छे, ई अलमीरा स्टडी टेबल सब किछु मिलल छै। और जेना कि बंकिंग बेड अहाँ देखै छी, बंकिंग बेड छै नहि, खाली नीचा सुते लए ऊपर किछु सामान रख लै छियै। और पढ़ै लिखैमे सब बढ़िआँ छै, हॉस्टलके फैसिलिटी जेना किचन प्रोवाइड छै, सुबह का 8 बजे से रात का 11 बजे तक अहाँ यूज कर सकै छी। और वॉशिंग मशीन सब किछु देने छै, बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह सब बढ़िआँ छै। तो मैंने जैसा बताया कि ये जो बेड है इसको कोई यूज नहीं करता है, बंक बेड है, इस पर कोई कंफर्टेबल वैसे भी नहीं हो पाता। तो हम लोग इस चीज़ को नहीं, बस अरेंज नहीं हो पाता है सिंगल बेड, तो इसलिए हमारे हॉस्टल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जैसे भी सिंगल बेड अरेंज कर पाते हैं वो सिंगल ही बेड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो बंक बेड का कोई यहाँ सीन नहीं है। और जो भी है और भी थोड़े बहुत डाउट है मैं दूसरे स्टूडेंट से रिव्यू लेता हूँ। अभी हमारे साथ सचिन दुबे हैं फ्रॉम दिल्ली, एक्चुअली वो दिल्ली में रहते हैं बट हैं यूपी से गोरखपुर। तो उनसे मैं एक्सपीरियंस लेता हूँ। अभी हमारे साथ सचिन है जो कि फ्रॉम यूपी गोरखपुर, तो ये बताएंगे यहाँ का एक्सपीरियंस। और सबसे पहली चीज़ यहाँ कोई मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है नहीं लिया जाता, ये सब कुछ सारा फैसिलिटी बताएंगे यहाँ पे। मेरा नाम सचिन दुबे है और मैं औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का। मैंने इस साल एडमिशन लिया था भैया का, बेसिकली भैया का ब्लॉग देख के। मेरा नीट में नहीं हुआ, एज ऑब्वियस है कि नंबर नहीं आया अच्छे तो नहीं हुआ, वहाँ पे भैया का ब्लॉग देखा फिर उसका एडमिशन यहाँ पे लिया। फैसिलिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करवाई गई है हमारे हॉस्टल की तरफ से, अच्छे खासे फर्नीचर प्रोवाइडेड थे। और हाँ, मेंटेनेंस चार्ज जैसे भैया ने कहा कि कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया गया। फैसिलिटी के नाम पे अगर देखा जाए तो किचन हमें काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया गया है, बाकी अगर हम हॉस्टल से कंपेयर करें। और वॉशरूम्स हो गए, वॉशरूम्स काफ़ी अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है प्रॉपरली। हॉस्टल में डे टू डे अच्छे खासे मतलब मेड आती हैं और पूरा हॉस्टल क्लीन करके जाती हैं, तो उसमें हमें कोई दिक्कत हुई नहीं कभी। और अगर कोई शिकायत हमें होती भी है हॉस्टल से या किसी भी चीज़ से तो हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी हेल्प करता है हमेशा। तो यहाँ बता दें सबसे पहले, तो यहाँ वैसा कोई एक खुद ये इस फ्लोर पर रहते हैं तो सब एक साथ जो म्यूचुअल जो होता है अंडरस्टैंडिंग इन लोग अपने बाकी स्टूडेंट के साथ, उन लोग काफ़ी ज़्यादा एक साथ फ्रेंडली रहते हैं मेन तो। और दूसरी चीज़ जो मेन कंसर्न होता है बॉयज़ हॉस्टल और मतलब इंडियन हॉस्टल के अंदर लोग बोलते हैं रैगिंग को लेकर, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये लोग खुद बताएंगे रैगिंग होती है या नहीं होती है या यहाँ करना
बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्या, अगर डीन ऑफिस से सब चीजें बात पता चली जाती है तो बहुत गंदा एक्शन लेते हैं। तो अभी सचिन बताएंगे रैगिंग के रिगार्डिंग, क्या रैगिंग है या नहीं है, जो भी ये चीजें सब बताएंगे। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ आने से पहले लगा था कि रैगिंग वगैरह का होगा क्योंकि मेडिकल स्कूल में ऐसा होता रहता है, बट यहाँ आने के बाद पता चला मुझे कि यहाँ पे ये चीज बिल्कुल ही बंद है। और जो हमारे सीनियर, खासकर मैं अपने सीनियर्स का बताता हूँ, देवांशु भैया हो गए, अमन भैया हो गए, और हमारे सिक्स के भी कुछ सीनियर्स हैं, अनिकेत भैया वगैरह, वो इतने कोऑपरेटिव है ना यहाँ पे कि बस मैं क्या बोलूँ, वो हमेशा हमारी हेल्प के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। हर चीज़ में उन्होंने हमारी हेल्प करी, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या कुछ पर्सनल चीज़ें भी हो। तो रैगिंग का तो बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ पे रैगिंग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस चीज़ के लिए बहुत बेफिक्र रहो तुम लोग। वही मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ हम लोग इन लोगों के साथ फ्रेंडली रहते हैं। हमारे हाँ ऑब्वियस बात है, हमारे जूनियर्स हैं, तो ऐसा नहीं कोई जूनियर सीनियर्स वाला रिलेशन है। हम किसी के भी साथ हम लोग ऐसा फ्रेंड इन लोगों को हैंडल करते हैं, और कोई भी इनकी कहीं भी दिक्कत होती है तो हम लोग काफ़ी अच्छे से इन लोगों को, इनका प्रॉब्लम हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, अभी हमारे साथ अत्री है जो कि फ्रॉम असम, ये बताएंगे अपना एक्सपीरियंस इन असामी लैंग्वेज में। तो असामी ना तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नमस्कार, मोर नाम अत्री नंदन गगै, मैं जोरहाट आसाम जोरहाट जिलार बासिंदा। मैं बर्तमान ओरेनबर्ग रशियार ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फर्स्ट इयर स्टूडेंट है। आम इले अक्टोबर 17 अक्टोबर आम इतना पालोहि, और 17 अक्टोबरते आम आमक एक हस्टेल लनिले, और हस्टेल फेसिलिटीज बहुत ही भल, हस्टेल बहुत भल भल फार्णिचार प्रोवाइड कर, और बाकी किचन बाथरूम वाशरूम्स बहुत धुनिया के बनाए थो आसे, नतुन हॉस्टल है और सब बहुत साफ चिकुण, और बाकी एक तेने के आमार प्रॉब्लम ना हुआ। आमार लगत देवांशु भैया आसे, तेरे बेचर आमार आरो दुजन मान सीनियर्स आसे, सबे आमाक बहुत हेल्प करे और सबे आमार लगत बहुत कोऑपरेटिव होय थाके, और रैगिंग एंड ऑल एबो एको सीन नाय, सबे आमाक आमार होरु भाईटी निसनाके ट्रीट करे, और बाकी किचेनर खाना बना खाना पीना सब आम निजे बनाए लम, और बाकी यूनिवर्सिटी क्लासेसो चलि आसे, बर्तमान आमार फार्ष्ट सेमेस्टार खत्म होइसे और सेकेंड सेमेस्टार आमार स्टार्ट होबो एतिया, और क्लासेस बहुत धुनिया के हय यूनिवर्सिटी। और तो ये था इनका रिव्यू, अत्री नंदन गगै फ्रॉम असम। अब हम इस रूम को एक्सप्लोर करते हैं प्रॉपर तरीके से, क्या फैसिलिटी दी गई है। तो हम पहले आशीष एंड सचिन से, इन लोगों ने रूम एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, खुद से दिखाएंगे, मुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये खुद बताएंगे क्या फैसिलिटी दी गई, फर्नीचर सिंगल बेड जो भी सेंट्रल हीटर ये खुद बताएंगे कहाँ कहाँ है, जैसे भी है ये आप। ये जैसे कि अभी देखोगे एक रूम में सही टेबल कंपलसरी दी गई है, और पता है अच्छी बात यह है कि मेरा एक खुद का फ्रेंड भी है, वो भी हॉस्टल में रहता है, दूसरे हॉस्टल में रहता है, नाम नहीं लूंगा मैं उस चीज़ का, उस कंसल्टेंसी का, लेकिन दूसरे हॉस्टल में रहता है और उसको ये सब प्रोवाइडेड नहीं है, और कहते हैं काफ़ी अच्छे हमारे पे हीटर्स हैं, अंदर हॉस्टल के बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। हमको जैसे आप देख सकते हो पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलर एक पूरा कबर्ड दिया गया है, तो सामान आप जैसे बैग ऊपर रखो और कपड़े अंदर रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। दो या मतलब पर बंदे पे एक अलमारी, एक स्टडी टेबल और एक प्रश्न बेड, और आप इधर भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी जैसे दो स्टूडेंट रहते हैं तो दोनों के लिए बेड, एक छोटा मिनी कवर्ड और ऐसे बड़ा सा कवर्ड दे दिया दोनों के लिए, तो आराम से हो सकता, कुछ नहीं है, सब बढ़िया। एक अच्छी बात और है कि यहाँ पे ऐसे हमें सीनियर्स ने बताया था कि यहाँ पे गर्मियों के मौसम में भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज करता है, तो उसके लिए हमें एसी भी प्रोवाइडेड है। मैं ऑलरेडी बता चुका था एसी को लेके कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेके उसके यूज कर सकते हैं, सारे मैक्सिमम रूम में एसी दिया गया है कि जो रूम में लग सकता है कि मतलब क्योंकि आसपास में नेवर रहते हैं, तो किसी किसी रूम का विंडो बंद कर दिया गया तो उन लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो हम लोगों ने विंडो क्लोज करवा दी है, तो क्योंकि भाई नेवर ऑब्वियस सी बात है तो विंडो ओपन करने से उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग उस चीज़ को, उसी रूम में एसी भी है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेके यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात इस हमारे हॉस्टल के अंदर कि जो भी कस्टमाइजेशन होता है किसी भी रूम के अंदर तो आप खुद से कर सकते हैं, बट आपको एक परमिशन लेना पड़ेगा और कुछ नहीं, सारे पर सब कुछ कर सकते हैं बट परमिशन से। यहाँ कोई भी लाइट वगैरह जो भी जिसको जैसा भी लाइट लगाना होता है
आप परमिशन लेके गुजल से एडमिनिस्ट्रेशन से आप लगा सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। आप कस्टमाइज आप खुद कर सकते हैं या कस्टमाइजेशन आपके हाथ में, क्या आप रूम में रखना चाहते हैं क्या नहीं। तो ये है प्रॉपर बॉयज फ्लोर का और गर्ल्स फ्लोर का जो भी रिव्यू था स्टूडेंट सबसे। मैं एक चीज और अच्छी बताता हूँ कि जो हमारे हॉस्टल की लोकेलिटी है वो काफी अच्छी है, काफी बेहतरीन है बाकी हॉस्टल से कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे हॉस्टल से मैक्सिमम कॉर्पसेस बहुत पास हैं, ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, तो हमारा बेसिकली टाइम बचता है और क्या कहते हैं हमारे जो ट्रैवल चार्जेस हैं वो काफी बचते हैं इस चीज में। दूसरा, अगर हमारा डेली उसका कोई सामान हो गया, कुछ भी मतलब खाने पीने को हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो वो हमें इजीली अपने कॉर्पसेस के आसपास मिल जाते हैं, आपने सॉरी कॉर्पसेस नहीं अपने हॉस्टल के आसपास मिल जाते हैं। ये हॉस्टल के बगल में 24/7 पेट्रोच का है जहाँ ग्रोसरी सुपरमार्केट है, तो वहाँ से स्टूडेंट पास में अगर कोई किसी को रात में भूख भी लग गई तो हम लोग तो तुरंत अलाउ कर देते हैं कि जाकर स्टूडेंट ले लेते हैं इजीली, क्योंकि हमारे हॉस्टल जो सच में लोकेलिटी जो है ना सारे कॉर्पस पास में है, और जो डीन ऑफिस हो गया सब कुछ, मतलब एक जो कॉर्पस है थोड़ा सा दूर है वो फिफ्थ कॉर्पस है, ओबियस सी बात है जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ, फिफ्थ कॉर्पस ओबियस सी बात है, यहाँ से बस से 30 मिनट का जो भी डिस्टेंस है वो लगता है और स्टूडेंट सब बस से जाते हैं 30 रूबल देते हैं, तो यहाँ इजिली आप बस स्टैंड भी पास में है, सारे बस स्टैंड और जो भी सुपर मार्केट है सब पास में, तो लोकेलिटी काफी हम लोग के हॉस्टल की काफी अच्छी रही, खुद स्टूडेंट सबसे आप सुन रहे होंगे। तो अभी हम बॉयज फ्लोर पे हैं, थर्ड फ्लोर पे जहाँ स्टूडेंट रहते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस और फीडबैक लेते हैं और रूम का फैसिलिटी दिखाएंगे, चलते हैं अंदर डायरेक्ट। तो इस रूम में सारे महाराष्ट्र से स्टूडेंट हैं और इन लोगों का मैं इंटरेक्शन कराने वाले हूँ इनके ही खुद के लैंग्वेज में, और खुद ये बताएंगे इनका एक्सपीरियंस लास्ट 6 मंथ का कि कैसा रहा हॉस्टल के साथ, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या फैसिलिटी रही। स्टार्टिंग में इन लोग आए थे तो इन लोग को भी न्यू हॉस्टल दिया गया था, तो इन लोग अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। अभी मेरे साथ है विष्णु कोल्हे फ्रॉम महाराष्ट्र। हेलो प्लीज। नमस्ते, माझं नाव विष्णु कोल्हे आहे, मी लातूरचा आहे, आम्ही हे हॉस्टेलमध्ये नवीनच आलो होतो, आम्ही सगळे फर्स्ट इयरचेच आहेत आणि काही सेकंड इयरचे सिनियर्स आहेत, देवांशु भैया आणि काही जण आहेत, ते आमचं लुक आफ्टर करतात आणि जी काही गरज आहे ते सांगतात, आणि बाकी काही तेवढं काही नव्हतं जेव्हा आम्ही हॉस्टेलमध्ये आलो होतो। नंतर हळूहळू एक 15-20 दिवसात स्टोरी सगळं प्रोग्रेस दिसली आणि फर्निचर्स ते सगळे नंतर आले आणि किचन पण नवीन सेटअप झाले, सगळंच नवीन आहे इथे। तो ये था विष्णु कोल्हे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, और भी महाराष्ट्र से बच्चे हैं उनके साथ हम एक्सपीरियंस लेते हैं आते हैं। अभी हमारे साथ कृष्णा है जो कि डायरेक्ट हमारे हॉस्टल का मेन सिंगर, जिन लोगों को नहीं पता हो तो मेरे वीडियो चैनल पर जाके, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, प्रॉपर सिंगर यहाँ मिल जाए। तो ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे हिंदी में। तो यहाँ पे ना हम लोग को मतलब बहुत अच्छी सारी फैसिलिटीज है, और जो भी सारी फैसिलिटीज मिल रही है वो सारी एकदम से नई है। एक्चुअली हम लोग जब यहाँ पे आए थे तब यहाँ पे मतलब ये जो बिल्डिंग हम अभी जिस हॉस्टल में रह रहे हैं ये पूरा का पूरा नया बना हुआ है, सारा किचन पूरा नया सेटअप है, सब कुछ हमें सारी मतलब सारी फैसिलिटीज मिल रही है। दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे किचन। अभी हमारे मतलब किचन में भी ओवन्स वगैरह लगे हुए हैं, इंडक्शन अच्छे क्वालिटी के लगे हुए हैं, बाद में वॉशिंग मशीन वगैरह है हम लोग को कपड़े धोने के लिए, बाकी ये तो आप लोग रूम देख ही सकते हो, वेल फर्निश्ड है। हम लोग को ये टेबल वगैरह भी मिला है यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो इनका एक्सपीरियंस रहा काफी, अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, अभी चलेंगे फोर्थ फ्लोर पे तो वहाँ भी बच्चों सबसे एक्सपीरियंस लेंगे। एक बार दिखा देते हैं इधर फैसिलिटी, इधर कबर्ड है और सेंट्रल हीटर, ऑलरेडी सारे रूम में सेंट्रल हीटर लगे रहते हैं तो इनका कोई दिक्कत नहीं है वैसे विंटर में। तो चलते हैं अदर रूम में ऊपर, अभी और एक और फ्लोर है वहाँ एक्सप्लोर करते हैं। तो और भी स्टूडेंट्स हम रिव्यू ले लेते हैं एक बार बॉयज सबसे, तो आते हैं रूम में। अभी हमारे साथ आदित्य है फ्रॉम हैदराबाद, तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अबाउट 6 मंथ एक्सपीरियंस जो लास्ट इन अपने लैंग्वेज में एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं तेलुगु लैंग्वेज में, तो प्लीज। हाँ, इकड़ अंदा बान 6 मंथ्स नुंडी, एम अला इबंधी लेम उंडवु, అలానే
ఎక్కువ స్ట్రెస్ కూడా ఏముండదు, అంతా బాగానే ఉండదు, స్టడీస్ కూడా అన్ని బాగానే ఉంటుంది, అన్ని మనం చదువుకొని వెళ్ళాలి, అంతా ఫుడ్ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, ఏం ఎక్కువ టెన్షన్ ఉండదు, హాస్టల్ కూడా బాగానే ఉంటుంది అంతా. ये बताएंगे अपने रूम का एक्सप्लोर कराएंगे खुद से, फर्नीचर और जो भी एंकर रूम का फैसिलिटी है खुद दिखाएंगे आदित्य, तो प्लीज एक्सप्लोर. फर्स्ट इकड़ा टू बेड्स, इकड़ ओके बेड, थ्री बेड्स ఉంటాయి. అలానే ఫర్నిచర్ కబోర్డ్స్ మనమే ఆర్డర్ చేసుకోవాలి, ఫ్రీగానే ఉంటాయి. అలానే ఇక్కడ ఒక కబోర్డ్ అండ్ దిస్ ఇస్ స్టడీ టేబుల్ చదువుకోవడానికి, ఇంకా దీనిలో సామాన్లు ఉంటాయి కొన్ని అండ్ దీంతో. ఏ థైన్ లోక రూమ్ కా फैसिलिटी जो कि खुद आदित्य ने बताया, तो ऐसे सारे रूम हैं, सारे रूम एक जैसे हैं, सारे रूम कवर करना इजी नहीं है क्योंकि बहुत सारे रूम हैं, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. सो अभी चलते हैं मानसरदाला फ्लोर पे, जहाँ कुछ बच्चे वहाँ भी रहते हैं, यहाँ फोर्थ फ्लोर है तो वहाँ चलते हैं, वहाँ भी कुछ स्टूडेंट हैं, कभी भी लेंगे और रूम दिखाएंगे. सो अभी फोर्थ फ्लोर पे यहाँ स्टूडेंट कुछ रहते हैं, उनसे लेते हैं एक्सपीरियंस और उनका रूम का फैसिलिटी दिखाते हैं. तो अभी कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश किया जाएगा क्योंकि हम लोग कभी एनर्ट एग्जाम के दिन बहुत डिस्टर्ब किया गया है, थोड़ा थोड़ा तो हम लोग भी करेंगे, इनका तो मॉड्यूल है तो थोड़ा थोड़ा इनको भी डिस्टर्ब किया जाएगा. तो पहले मैं इनको एक बार फैसिलिटी दिखा देता हूँ इस हॉस्टल का, इनके रूम का. तो ये देख सकते हैं, ये कबर्ड और इधर तंबूज का सब है, छोटा छोटा टेबल भी है. इधर कुछ पढ़ रहे थे भाई साहब लोग ने, तो मैं सोचा थोड़ा डिस्टर्ब कर देता हूँ. ये इधर बहुत सारे रूम में एसी भी देखने को मिला होगा, तो जो कि प्रॉपर ऑन है और चलता भी है और लोग यूज भी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन लेके यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है. अब हम इनका लेते हैं फीडबैक, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं फीडबैक कि कैसा रहा लास्ट सिक्स मंथ में इनका एक्सपीरियंस हॉस्टल के साथ और कुछ फैसिलिटी के साथ. तो चलते हैं, जानते हैं हम डायरेक्ट जैद से. जैद पढ़ाई कर रहे थे, इनको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं तो अरे इतना सीरियस मत नहीं होना है, रख दो बुक सब रख दो, अभी कुछ नहीं. तो अभी जैद से एक्सपीरियंस लेते हैं. मोहम्मद जैद खान, मैं पुणे से हूँ और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा. शुरुआत में न्यू हॉस्टल मिला हमें, न्यू सब चीज़ें नहीं मिली, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी हेल्पफुल रहे, सपोर्ट किए सीनियर्स ने भी, चार सीनियर्स से हमें सब सपोर्ट किया, हर वक्त सपोर्ट किए. बाकी तो चल रहा लाइफ, पढ़ाई चल रही है, बिजी शेड्यूल है हमारे अभी और भी. सो अब हम जा रहे हैं बेसमेंट में हॉस्टल के, जहाँ किचन, सार रूम और लॉन्ड्री रूम देखने को मिलेगा, वहाँ का सारा फैसिलिटी एक्सप्लोर करेंगे. और गर्दरोब भी है वहाँ पे, गर्दरोब मीन्स जहाँ स्टूडेंट जब विंटर के टाइम पे स्नो बूट्स और जैकेट जहाँ रखते हैं, वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं डायरेक्ट नीचे बेसमेंट के अंदर हॉस्टल के. तो चलते हैं डायरेक्ट बेसमेंट के अंदर और वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं. तो ये हमारे हॉस्टल का गार्डरोब है जहाँ स्नो बूट्स और जैकेट स्टूडेंट अपना रखते हैं बाहर से आने के बाद, विंटर में जब स्नो बूट्स में जो भी गंदे स्नो बूट्स होते हैं यहाँ पर स्टूडेंट सब रख देते हैं. या देख सकते हैं अच्छी फैसिलिटी दी गई है जैकेट्स रखने की, शूज रखने की. तो ये सब रूम में नहीं ले जाने दिया जाता है क्योंकि रूम गंदा होने से काफ़ी ज़्यादा बचा दिया है रूम में. ऑब्वियस बात है, ये सब गंदे शूज जाएंगे तो सारे गंदे हो जाएंगे फ्लोर. तो ये था गार्डरोब जहाँ जैकेट्स और स्नो बूट्स देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्टूडेंट सब रखते हैं. चलते हैं डायरेक्ट किचन में जहाँ दिखाने वाले हैं सारा फैसिलिटी. तो ये हमारा हॉस्टल का किचन है. तो ये है हॉस्टल का किचन जहाँ स्टूडेंट अपना खाना बनाते हैं, डिनर लंच जो भी है. देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है. और भी फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ प्लेट का दिया हुआ है, फ्रीज है, ओवन है जहाँ खाना खाना बनाते हैं. तो देख सकते हैं यहाँ बच्चे सब अभी खाना बना रहे हैं. तो इधर देखते हैं प्लेट का स्वाति.
शादी खाना बना रही हैं। वैसे सब डिनर का टाइम हुआ है तो डिनर बना रहे हैं बच्चे सब। इधर सकते हैं थोड़ा सा किचन अभी गंदा है क्योंकि रात में सबकी ड्यूटी होती है प्रॉपर, तो क्लीन हो जाता है 11 बजे तक। तो सबकी प्रॉपर ड्यूटी होती है सारे रूम वाइज, हम लोग को क्लीन करना पड़ता है और काफ़ी अच्छी स्पेसियस है देख सकते हैं। इधर अगर कोई फेस्टिवल होता है तो हम लोग इधर सेलिब्रेट करते हैं। अभी शिवाजी जयंती का सेलिब्रेट हुआ था तो हम लोग यहीं पर करते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है देख सकते हैं, रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करते हैं। तो ये है हमारा किचन प्रॉपर बढ़िया सा, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी है। तो अब चलते हैं चार रूम दिखाने के लिए। चार रूम के लिए गर्ल्स और बॉयज़ दोनों नहीं दिखा पाएंगे, एक दिखाते हैं बॉयज़ का जहाँ सब कुछ आपको सेम होगा गर्ल्स का भी। सो ये है हमारे हॉस्टल का चार रूम, ये बॉयज़ चार रूम है, हम गर्ल्स चार रूम नहीं जाएंगे, सेम है एज इट इज, जहाँ सेम देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं हमारे हॉस्टल का चार रूम है कर्टन के साथ, अभी कोई है नहीं वैसे, कर्टन देख सकते हैं सारा फॉर्सेट वगैरह लगा हुआ है। इधर भी सेम फॉर्सेट के साथ हर चीज़ है, हर सेम सेम गर्ल्स फ्लोर में है, गर्ल्स वाले चार रूम में। तो ये काफ़ी बड़ा सा है, वैसे छः एक अपार्टमेंट बनाए गए हैं उस चार रूम का, वही चार रूम का। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब कोई फैसिलिटी वैसा कुछ कमी नहीं लग रही है हम लोग तरफ से, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है। अब दिखाते हैं लॉन्ड्री रूम और वॉशिंग मशीन रूम, वहाँ ये बगल में ही है। तो ये देख सकते हैं इधर वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, स्टूडेंट यहाँ अपने कपड़े धुलते हैं और इसको सुखाने के लिए ये रूम यूज़ होता है। एक्चुअली अभी बंद है ये रूम, इसमें बच्चे कपड़े सुखाते हैं, बट एक्चुअली लॉक हो गया, मतलब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी सामान होता है तो इसको लॉक कर दिया जाता है टाइम टू टाइम। जब बच्चे को कपड़े सुखाने होते हैं तो गैलरी में अपने सुसिलका वाला जो ड्राई स्टैंड होता है उस पर कपड़े सुखा लेते हैं। तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है, सारा फैसिलिटी लगभग इंक्लूड हो गया। बात रही टॉयलेट की, तो टॉयलेट कोई वैसा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, इंडियन टॉयलेट इस हॉस्टल में नहीं है, जो बात सच है वही है, इंडियन टॉयलेट इस हॉस्टल में नहीं है। जो लास्ट ईयर मैंने वीडियो दिखाया था 67 का उसमें था, उसमें फर्स्ट एड के साथ था, लेकिन इस हॉस्टल में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होता है वो सब। इंडियन हॉस्टल यहाँ भी सेम, जो भी आपको लगा है टॉयलेट वाला सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं होता स्टूडेंट को। तो ये था हमारा हॉस्टल ब्लॉग का जो भी एक्सप्लोर किया हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर। तो आज का वीडियो हॉस्टल का टूर का इतना ही सारा था। अगर वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और आगे के वीडियो जो आएंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो बने रहिए हमारे चैनल पर।